इन्हें क्या हो गया? अरे चक्कर आ गया। तो पानी वानी पानी लेके आओ ना। अरे थोड़ा बैठ जाओ ना, ठंडी जगह। सिर्फ एक विधायक होकर, मंत्री सांसद होकर अगर आप अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। सरकारी जगह सरकारी जगह अगर है माना हमने, लेकिन एक नोटिस भी तो दिया जाता है किसी के घर को तोड़ने से पहले। वो अपने सामान को निकालते अपने घर से, कीमती सामान भी होते हैं। शादी का अगर हम शादी होने वाली है अगले महीने इस बच्ची की, वो भी सामान दब गया शादी वाले। बताओ शादी आपने घर नहीं तोड़ा है, आपने सिर्फ घर नहीं तोड़ा है, आपने एक परिवार की शायद आज तक की जो भी मेहनत से कमाई हुई पूंजी है उनको भी आपने तहस नहस कर दिया, उन पर भी आपने बुलडोजर चला दिया। घर तो सिर्फ ईंटों से बन जाता है, लेकिन परिवार जब टूटता है तो उसका दर्द शायद वो लोग ना समझ पाए जिनके पास परिवार नहीं है आज की तारीख में। तो ये बहुत गलत संदेश फरुखाबाद से गया है। हमारे पास जमीन भी नहीं, जगह भी नहीं, कहाँ जाएं हम लोग? आप देख सकते हैं जमीन प्लाइवेट प्लांट बन रहा है बत्ती के लिए। हमको बत्ती नहीं चाहिए, हमारा हमका मकान चाहिए, हमें मुआवजा चाहिए, हमें बत्ती नहीं चाहिए। अच्छा चलो, यहाँ से तोड़ने के बाद इन्होंने आपको कुछ आश्वस्त किया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला अभी। एक सेकंड मैं सुन लूँ। बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाओ। अच्छा आपको भी कोई नोटिस नहीं आया था? नहीं, मेरा ट्रैक्टर भी ले गए, ट्रैक्टर भी ले गए, ट्रैक्टर भी ले गए, ट्रैक्टर कब्जे में नहीं है। अभी भी तंग कर रहे हैं आपको? चलो अब आज के बाद तो आपको कोई तंग करेगा नहीं, ठीक है? ये हम आपको भरोसा दिला के जाते हैं। सब नरेंद्र बाबू की गरी गरी है यहाँ पर, सब वो तो भाजपा में चले गए नरेंद्र बाबू जी, यहाँ की जनता को बेखटक बेमौत छोड़ गए हैं। अपना तो पार्टी चेंज कर ली उन्होंने और यहाँ की जनता को बिल्कुल मौत के घाट लगा दिया है। यहाँ पर कोई ऐसा नेता नहीं है जो हम लोगों को सुनने वाला हो, चाहे पुलिस मिलते पचास सालों का चौकीदार की पूजा करते हुए यादव क्षेत्र के, मगर उन्होंने कटवा दिया। बनाया उनको विधायक, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं है। दूसरे दिन आए साहब, तीसरे दिन आए, चौथे दिन शनिवार को आए, वो क्या शनिवार रहना चाहिए था, प्रतिमंडल में नाम नहीं चाहिए था। 32 लोगों में मुकदमा लगवा दिया, दो लोग तो आगे। चलो मुकदमे भी हटेंगे, लेकिन नजर रखना इन लोगों के ऊपर जो गद्दारी कर रहे हैं। अरे आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे सबके बच्चे सुरक्षित हैं, उन्हें उन्हें कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें प्रशासन ने एक लाठी भी मारी तो उसके लिए हम खड़े हैं। अब आपको चिंता नहीं करनी, मेरी मम्मी मेरे पापा जेल परेशान मत हो आप। भैया बैठ जाओ, चैन बना ले, चैन बना, चैन बना भैया। ना हाथ मत जोड़ो, आपके तो आशीर्वाद लेने हैं हमें। अब आप परेशान मत हो, एक ही दुकान रुको, आ जाओ ना, सब सही हो जाएगा। आ जाओ अंदर जाओ। चलो कोई नहीं, अब मिल जाएगा, मिल जाएगा, फोन दिलवा देना जी इन्हें, मिल जाएगा, चलो मिल जाएगा बेटा, दे दे अभी जी भैया। अरे भैया कर लेना।